चैनल। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो ब्लॉग है तो वो मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया था और ये मेरा पूरे हफ्ते का ब्लॉग है। और मैं अपनी अम्मी के घर भी गई थी, अपनी अम्मी अब्बू के घर, तो मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर भी ब्लॉग बनाऊँगी, पर बस मैं इतनी लेज़ी हो गई और मुझे इतनी सुस्ती हो गई कि मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया। थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये मैंने बनाया था बैंगन का भरता, ये मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था रात के टाइम पर डिनर में, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और अगर आपको मेरा गला ख़राब लगा या मेरी आवाज़ सही नहीं लग रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। काफ़ी दिनों से मुझे खांसी हो गई थी तो उसकी वजह से मेरा गला जो है तो वो ख़राब हो गया था। और जी मैंने बना लिया था बैंगन का भरता और इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि बैंगन का जो भरता है तो ये मैंने रात के टाइम पर बनाया था। और बैंगन का जो भरता है तो वो मुझे, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैंने बना लिया था। और उसके साथ साथ मैंने कुछ करेले फ्राई कर लिए थे क्योंकि जो मेरी बेटियाँ हैं तो वो अभी बैंगन का भरता खाती तो है पर उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये जो करेले थे तो ये मैंने फ्राई कर लिए थे। और उसके बाद दूसरे दिन मैंने कर ली थी तैयारी अपनी अम्मी के घर जाने की क्योंकि मेरी अम्मी और अबू वालों के घर जो है तो मिलाद था, तो इसके लिए मैंने तैयारी की थी। और मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगी और वहाँ पर जाकर मैं काफ़ी अच्छे अच्छे से मज़े के इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स बनाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी काम नहीं होता, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अच्छे अच्छे से और कुछ चेंज और कुछ अलग तरह के व्लॉग्स बनाऊँगी। पर वहाँ पर जाकर मैं इतनी लेज़ी हो गई, मुझे इतनी सुस्ती हो गई क्योंकि इतने दिनों के बाद मुझे इतना रेस्ट करने का मौका मिल गया ना, तो मैंने इतना मोबाइल उठाया ही नहीं और व्लॉग्स मैंने बनाए ही नहीं क्योंकि जिस दिन मैं गई थी तो उस दिन मेरी अम्मी वालों की मिलाद थी और दूसरे दिन उनके घर में चल रही थी समेटा समेटी। और जिस तरह होता है हर घर में किसी भी फंक्शन के बाद दूसरे दिन तो पूरा दिन काम होता है, तो उनके दिन में घर में काम था। और उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ वहाँ पर एक शादी थी तो उसकी तैयारी थी, कोई अपने कपड़े निकाल रहा था, कोई कपड़े पहन रहा था, कोई कपड़े प्रेस कर रहा था, तो इस तरह से दूसरा दिन भी इसी तरह से गुजर गया। और जब तीसरा दिन था तो उस दिन मैं गई थी शॉपिंग करने अपनी अम्मी के साथ, वो भी आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और जहाँ पर मैं अपने बेटे की बुक देख रही थी उर्दू की, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसके मैं आंसर निकाल रही थी और मैं कह रही थी साथ साथ ये नाम कटाई, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के साथ जाते हैं उनको चीज़ दिलाने के लिए, उनके लिए चीज़ें लेने के लिए, तो वो मेरे लिए भी चीज़ें लेकर आते हैं जैसे कोकोमो और ये नान कटाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे लिए अक्सर नान कटाई लेकर आते हैं या इसका पूरा जो डब्बा होता है तो वही लेकर आते हैं। तो मैं अपनी ये चीज़ें खा रही थी क्योंकि बच्चे तो इस टाइम, मेरे बच्चे सो गए थे, बड़े वाले बच्चे, क्योंकि वो सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं, तो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बैठी हुई थी तो वो भी अपनी चीज़ें खा रही थी और मैं भी अपनी चीज़ें खा रही थी, तो बस उनकी बच्चों की बुक्स वगैरह भी देख रही थी। और ये काफ़ी दिन पहले की क्लिप है जो मैं अपने किसी व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी क्योंकि रात के टाइम पर पता नहीं कि मुझे आजकल मीठे की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ मीठा खाऊं, तो मैं देखती हूँ अगर कोई मिठाई केक वगैरह होता है तो वो मैं खा लेती हूँ। तो ये जो मिठाई है तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बेची थी तो बस उस टाइम में खा रही थी, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और ये जो बैग था तो ये मैंने अपनी अम्मी वालों के घर जाने के लिए बनाया था। और ये जो बैग है तो एक बैग जो है तो ये बिल्कुल भी नहीं था, इसके साथ एक छोटा सा और बैग था और उसके साथ दो बड़ी बड़ी शॉपर थी क्योंकि मेरे माशाल्लाह से मेरे बच्चे और मैं हम सब चार या पांच दिन के लिए गए थे, तो इस बड़े वाले बैग में, ये जो बड़ा वाला बैग था इसमें सिर्फ मेरे कपड़े थे और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है जो 3 मंथ की है उसके कपड़े थे, मतलब इसमें मेरी छोटी वाली बेटी की और मेरे हम दोनों के कपड़े थे। और जो मेरे बड़े वाले बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से बैग था। और उसके अलावा बच्चों के जो स्वेटर थे क्योंकि अभी काफ़ी सर्दी आ गई, तो बच्चों के स्वेटर और जो केप वगैरह थे मेरे बड़े बच्चों के, तो उनकी शॉपर एक अलग से मैंने बना ली थी। और जब मैं मिलाद में गई या मैं तैयार हुई तो मैंने उस टाइम वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी से टाइम गुजर गया। जिस टाइम मैं मिलाद में गई तो ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि उस टाइम भी मुझे वीडियो बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। जैसे ही मिलाद ख़त्म हुआ तो मैं काफ़ी सारे मेहमानों से मिल रही थी और मेरी अम्मी के कुछ कज़न्स थी, मेरे अबू के कुछ कज़न्स थी या कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे जिनसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी, या दो तीन चार या कुछ तो ऐसे
मेरे अबू की अम्मी के रिश्तेदार भी थे जिनके साथ मैं 5 साल के बाद मिल रही थी। तो बस फिर उनके साथ बैठ गई और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं उस टाइम बस से मूवी वीडियो बनाती रहूं और मोबाइल उठा के मैं बस वीडियोग्राफी करूं, तो मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। और मीलाद ख़त्म होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जब मेहमान सारे चले गए थे, तो मेरी सिस्टर जो है तो सूप पी रही थी और वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या आपने सूप पियेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है तो वो कॉर्नफ्लोर पीती हूँ और यखनी वगैरह वाला जो है तो मैं कम पीती हूँ। तो मैंने अपने सिस्टर से कहा कि नहीं की और पूछ पूछ मुझे बिल्कुल ये सूप पीना है, तो मुझे दे दो तो मैं भी पी लेती हूँ। तो उसने जो है सूप मुझे भी दे दिया था। और जो यखनी स्टाइल का होता है वहाँ पर ही मिलता है, जो सर्दी आजकल तो मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पर मैं खा रही थी पास्ता, और आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ मेरे पिछले व्लॉग्स में कि मेरे भाई का एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पर मैकरोनीस, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा और टिक्का, मलाई बूटी पर पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब मैं गई थी तो मैं सोचा था कि मैं अपने भाई के रेस्टोरेंट पर भी जाऊँगी, पर मेरे भाई ने कहा था कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टाफ होता है और सारे लोग मेरे जानने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा शहर है तो वहाँ पर इतने जो है तो वो नहीं आते, वहाँ पर सिर्फ जेंट्स ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मैं हम रोज़ ही सारे जो सिस्टर्स हैं या मेरी भाभी और अम्मी, हम रोज़ ही अपने भाई के पिज़्ज़ा पार्लर पर या रेस्टोरेंट पर अपने भाई को मैसेज कर देते थे, तो वो वहाँ से हमें भिजवा देते थे क्योंकि वहाँ की होम डिलीवरी जो तो फ्री है। तो जैसे ही रेस्टोरेंट ओपन होता था शाम के टाइम पर, तो मेरा भाई हम सब के जो ऑर्डर्स थे तो हमें भेज देता था, और रात के टाइम पर भी मेरा भाई अक्सर चीज़ें लेकर आता था। तो रोज़ मैं एक या दो चीज़ें मैं मंगवा लेती थी, मेरे बच्चे और सबके लिए अपनी अपनी पसंद की चीज़ें आ जाती थी। तो पहले दिन मैंने मंगवाया था पास्ता, दूसरे दिन मैंने मंगवाया था पिज़्ज़ा, और तीसरे दिन मैंने ये जिंगर बर्गर मंगवाया था, और उसके साथ चाय, चाय तो मैं ज़रूर मंगवाती थी। और रोज़ ही मेरा भाई काफ़ी सारी चीज़ें भेजता था या हमें कहता था कि आप व्हाट्सअप कर दिया करें कि जिस चीज़ को जो चीज़ चाहिए, तो मेरा भाई रोज़ भेज देता था। और वहाँ पर काफ़ी सारा उनका स्टाफ होता है और होम डिलीवरी तो पूरे शहर में, पूरे सिटी में फ्री है, तो सबसे पहले ही हमारे घर का, अपने ही घर का जो ऑर्डर्स वगैरह थे तो वो आ जाते थे, जो हम चीज़ें मंगवा लेते थे। और ये मीलाद के दूसरे दिन की वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई थी, थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, जहाँ पर मेरी बेटी और मेरा जो भतीजा है प्यारा सा, तो वो खेल रहे थे बच्चे, और जहाँ पर सारे ही जो मीलाद के बाद दूसरे दिन जो सफाइयाँ वगैरह थी और जो और काम होते हैं, कुछ लोग जो लाइटिंग वगैरह थे तो वो उतार रहे थे। मेरी जो अम्मी है तो वो मेरे भाइयों से और सबसे मेरी बहनों से काम करवा रही थी और काम ले रही थी, और मैं मज़े से लेटकर आराम कर रही थी और अपनी चाय पी रही थी। तो उस टाइम मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली और मैंने सोचा था कि मैं अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी और ब्लॉग्स बनाऊंगी, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मैं पता नहीं कि मैंने बनाई ही नहीं। और यहाँ पर जो आ गया था केक, और मेरी अम्मी और अबू के घर जो भी केक आता है तो मेरे भतीजे के समझने के बर्थडे होती है तो वो केक काट लेता है, उसको बहुत शौक है, मुझसे कटवा लेते हैं केक, उसको कह लेते हैं कि तो आपकी बर्थडे हो गई। तो यहाँ पर सारे ही जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे और मेरा एक ही भतीजा है, तो वो सब मिलकर अपना अपना केक उठा रहे थे और सबको दे रहे थे। और मैके में तो सबकी शायद यही रूटीन होती है कि लेट नाइट सोना और सुबह को फिर लेट उठना और आधा दिन तक आराम करना। तो ये सुबह का मेरा नाश्ता था, अक्सर वहाँ पर मैं इसी तरह का नाश्ता करती थी, ये जो पूरियाँ होती हैं, हलवा पूरी और चने वगैरह, इसी तरह का नाश्ता मैं करती थी। और उसके बाद मैं चली गई थी अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर छोटा शहर है, आप गाँव भी कह सकते हैं, तो वहाँ की जो बाज़ार वगैरह मार्केट है तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, और वहाँ पर किसी की प्राइवेसी होती है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ख्याल किया, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई। और जहाँ पर मेरी अम्मी ने ली थी गोल्ड की दो रिंग्स, तो हम आ गए थे शॉप पर, तो सोनार की शॉप पर, तो मेरी अम्मी ने ली थी ये दो रिंग्स, एक ब्लैक कलर का जो इसमें लगा हुआ है ये बड़ा सा स्टोन, ये वाली ली थी, और इसका जो स्टोन है तो वो मेरी अम्मी ने चेंज करवा लिया था, इसमें रेड कलर का लगवा लिया था, क्योंकि ब्लैक कलर के स्टोन वाली दो रिंग्स मेरे अम्मी के पास पहले से ही थी और उन्होंने ली थी एक मेरून कलर के स्टोन वाली रिंग। तो ये दो रिंग्स ली थी हमने गोल्ड की, और उसके बाद हम और शॉप पर भी गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ थी, या फिर इस तरह का था कि मैंने वीडियो वहाँ पर नहीं बना सकी। और ये एक अबाया शॉप पर हम आ गए थे, यहाँ पर बहुत सारे अबाया जो ये काम होते हैं पहनने के, तो ये थे तो मैं और मेरी अम्मी देख रहे थे। और वहाँ पर शॉप्स भी जो है तो वो छोटी छोटी होती हैं और लंबी सी, तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी को दिखा रही थी कि उसी तरह का अबाया भी पड़ा हुआ था जिस तरह का मैंने लिया है, तो यहाँ से मेरी अम्मी ने मेरी सिस्टर के लिए एक अबाया भी लिया था।
और हमने उसके साथ साथ कुछ कपड़े लिए, मैंने अपने कपड़े लिए अपने बच्चों के लिए, और मैंने वहाँ से कुछ खुशा लिए, ज्वेलरी ली, जो मैं आगे चलकर नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। और उसके बाद हम फौरन से वहाँ से ही कपड़े लेकर और टेलर के पास चले गए थे। तो मैंने 2 सूट अपने और 1 सूट अपनी बेटी का जो है तो वो स्टिच करवा लिए थे 3 दिन में ही। और उसके बाद जैसे ही शॉपिंग के बाद हम घर आए तो लंच रेडी था, मेरी बहनों ने जो है तो खाना बना लिया था क्योंकि हमें मेरी अम्मी को और मुझे काफ़ी लेट हो गया था। तो जैसे ही हम घर आए तो हमने आते ही खाना खा लिया, और मैंने सोचा था कि मैं इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यहाँ वहाँ पर मेरी अम्मी की यहाँ जो है तो वो इतना बड़ा शहर नहीं, छोटा शहर है या आप गाँव भी कह सकते हैं, तो वहाँ की जो बाज़ार है मार्केट है तो वो इस तरह से है कि वहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि वहाँ पर जो पतली पतली सी गलियाँ होती हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं ना, तो वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ इस तरह से शॉप्स में शूट करूँ, तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। तो इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा शॉप्स पर वीडियो नहीं बनाई। या जिस टाइम मैं वहाँ पर गई थी टेलर के पास तो वहाँ पर या कपड़ों की शॉप पर तो कपड़े मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्यारे लग रहे थे, और वहाँ पर होते भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े तो मैंने लिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर वीडियो में बहुत दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, पर मैं नहीं बना सकी, बस इतनी सी ही बना सकी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।